सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ माय न्यू ब्लॉग। वो शेप बनाई है अभी मैंने, वो एक ये मिक्सिंग करी है और फिर शेप्स मेकिंग करी है। अभी मैं ये वाली कर रही हूँ यहाँ पे भी, क्योंकि धूप आई गई है और वहाँ पे भी आई गई है। देखो जैसे बहुत थक गई हूँ मैं, खड़ा भी नहीं आया जरा लिटरली, पर फिर भी शेप्स मेकिंग कर ही देती हूँ क्योंकि बहुत दिनों से ही पड़े हैं ये सारे टेक्स्चर्स ना। ये भी पिछले संडे को ही हमने इसको, देखो हाथ कितने साफ साफ लग रहे हैं। पर फिर भी हाथ देने का जो मजा है ना टेक्सचर्स में, वो अलग ही है। कर लिए डस्टी। एक तो ना स्वेटिंग से अच्छा हो रहा है, क्योंकि अंदर स्वेटिंग आ रही है ना, तो उससे सही हो रहे हैं हाथ। चलो इसको मैं इकट्ठा कर देती हूँ, वीडियो बनानी भी थी मुझे। पानी डाल देती हूँ इसमें, पहले पानी भी ला के आने पड़ेगा क्योंकि पानी भी ख़त्म हो चुका है। चार टेक्सचर और बचे हैं बस, मोटे मोटे से, बस ये चार टेक्सचर बन जाए फिर मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगी, जो मेरा हिम्मत हुई तो। बस टेक्सचर्स में इतना ज़्यादा कचरा है ना, वो ग्लव्स पहने हुए हैं, वो छोटा छोटा कचरा निकल ही नहीं रहा, तो वो बार बार ग्लव उतारने पड़ रहे हैं, फिर चुभना पड़ रहा है, तो यही हो रहा है। बस यही पानी बचा और कोई पानी नहीं है छत पे। अब बस शेप बन जाए, कहीं मुझे बीच में ही पानी के चक्कर ना काटने पड़े, है ना। और मड में तो लगेगा ही पानी, चलो मड का पानी मैं नीचे से एक्स्ट्रा ले लूँगी, मड का पानी मैं एक्स्ट्रा ले आऊँगी नीचे से, थोड़ा सा बाल्टी में ही तो लाना है। अब देखो इसकी पूरी क्लीनिंग करनी पड़ेगी। ये टेक्सचर पता नहीं कौन सा है, पर मैं इसको उसमें ऐड करूँगी, क्या कहते हैं वो ग्रिटी मड में, जो ब्लॉक के लिए रखा हुआ है। चलो सो मैं अभी इसकी मिक्सिंग कर लेती हूँ, पानी डाल लेती हूँ बीच में। मैंने ग्लव्स उतार ही दिया, मैंने सोचा अब इन टेक्सचर, ये सैंड सीमेंट वाले टेक्सचर ही हैं, मड वाले टेक्सचर होते हैं वो ज़्यादा हार्म हो जाते हैं, ड्राइनेस कर देते हैं, पर अब देखते हैं इनसे भी होता है कि नहीं। चलो पानी मैं छान के डालती हूँ, ठंडा ठंडा पानी जा रहा है टेक्सचर्स के अंदर, इतना ठंडा पानी है, चिल्ड एकदम। चलो बाद में दिखाती हूँ, मैं मिक्सिंग कर लूँ इसकी जल्दी जल्दी। सो मैंने ये टेक्सचर की शेप और बना लिया, उसके बाद ये वाला और बना लिया। मैं खुशी हो रही थी कि बस ये टेक्सचर बचा है, और वो कि मेरी नज़र इस टेक्सचर पे भी पड़ेगी, मैं भूल ही गई थी कि ये भी बनाना है। और इसकी तो मिक्सिंग पहले ही करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो इसकी गांठें हैं ना,
इनको डिज़ोल्व होने में, मॉइस्ट होने में बहुत टाइम लगता है। पूरा टेक्सचर चिपका भी पड़ा है ये तो। इसके ऊपर मैंने पानी डाल दिया था ना, और उससे इसमें और डांठे पड़ गए हैं। बेशक वो मैंने क्रम्बलिंग कर दी हो, देखो ये ऐसी ऐसी। तो पहले बिस्की मिक्सिंग करके मैं उसकी शेप्स मेकिंग छोड़ के आई हूँ, क्योंकि मेरी नज़र एकदम इस टेक्सचर पे पड़ी और मैं खुश हो रही थी कि बस दो टेक्सचर बचे हैं, जल्दी जल्दी बना के जाऊँगी। पर नहीं, अब मैं इसकी मिक्सिंग कर देती हूँ, क्योंकि इसकी मिक्सिंग बहुत टाइम भी लेती है, बहुत रबिंग करनी पड़ेगी आज इसमें। आज के ब्लॉग में बिल्कुल भी क्रम्बलिंग नहीं हुई, उसके लिए सॉरी, क्योंकि टाइम ही नहीं है क्रम्बलिंग करने का, ना टेक्सचर्स हैं क्रम्बलिंग करने के लिए। जो दो तीन पड़े हैं वो वीडियो के लिए हैं, और जो बाकी पड़े हैं वो अभी अभी बने हैं। ठीक है, मड की मैं क्रम्बलिंग कर देती, पर वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप है, जल्दी जल्दी अभी ये भी कर दूँ, वरना यहाँ पे भी धूप आ जाएगी। ये टेक्सचर बना ही रही थी कि वहाँ पे भी धूप आ गई, फिर मैंने सोचा छोड़ो अब इसको नहीं बनाती मैं। चलो अब इसकी मिक्सिंग करते हैं, फिर देखते हैं कब मिलते हैं। इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप आ गई है। सो जी, शेप्स बन चुकी है, ये वाली और बनाई है। इसकी मैंने मिक्सिंग करके रख दी, क्योंकि ज़्यादा पानी हो गया है, इसमें हो ही जाता है ज़्यादा पानी, क्योंकि मैं पानी डाल के ना इसको रख देती हूँ ताकि थोड़ा पानी सूख जाए, फिर इसकी शेप्स बनाती हूँ, वरना हार्ड हो जाती है। और वो तो ऐसे ही पड़ा है, उसके ऊपर पानी छिड़कने की भी मेरे में हिम्मत नहीं है। ठीक है, ये मेरी छत देख लो, ये सारा सामान मैंने यहाँ लग रखा। ये सामान ना यहाँ से यहाँ लाने में ना मेरी जान निकल जाती है, सारा सामान। और वो मड मैं ऐसे खुली छोड़ के जा रही हूँ, मैं ढक ही जाती हूँ, जब जा ही रही हूँ तो हार्ड हो जानी है, वरना और कुछ नहीं। पैर ना ऐसे जवाब दे चुके हैं ना, इसको भी ऐसे रखने की कोशिश करती हूँ। मड के जितने भी व्यूअर्स हैं ना, उनको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि अब वीडियो बना रही हूँ तो अच्छी सी ही कोई बनाऊँ। ठीक है, ऐसी हैंगी भैंगी सी ना कोई भी डाल दूँ, और ये टेक्सचर ऐसा है कि हार्ड हो जा रहा है, सो इसलिए मैं कह रही हूँ। ठीक है, इसको ढक दिया मैंने, जहाँ तक ढका जा गया। क्रम्बलिंग भी मैं शाम को आके करती हूँ, देखती हूँ कोई वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँ, बस ये दो वीडियो रिकॉर्ड हो जाए ना मेरी। ऐसे तो वो भी पड़ी है, वो भी एक हफ्ता हो गया उसको, पर वो भी चलो स्टिल है। शाम को क्रम्बलिंग मिलेगी ज़रूर, और शाम का ब्लॉग देखना ज़रूर, बिल्कुल मत भूलना, ज़रूर भूलना, बिल्कुल मत भूलना। मैं आती हूँ, ठीक है, बाय।